सरकार ने होमगार्डों को बड़ा झटका दिया। प्रदेश सरकार द्वारा 25,000 होमगार्डों की सेवा समाप्त करते हुए बेरोजगार कर दिया गया, जिसके कारण सेकेंड होमगार्ड प्रत्येक जनपद से बेरोजगार हुए हैं। इसी को लेकर आज बांदा कलेक्ट्रेट में होमगार्डों ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। होमगार्डों ने सरकार को चेताया कि अगर प्रदेश सरकार हमारी मांगे नहीं मानते तो हम सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे तथा विधानसभा का घेराव भी करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा होमगार्डों को दिवाली से पहले बोनस देने के बजाय बेरोजगार कर बैठने को मजबूर कर दिया। बांदा जनपद से बेरोजगार हुए होमगार्ड के जवानों ने आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को सौंप कर पुनः बहाली की मांग की। होमगार्डों ने कहा कि 16,000 होमगार्डों की हमारी ड्यूटी पहले हटा चुके हैं, अब 25,000 और हटा दिए, हमें बेरोजगार कर दिया गया। कहा कि किस लिए भर्ती कर रखे हैं, इमरजेंसी में ड्यूटी पर बुला लेते हैं, वैसे हमें अब घर बैठा दिया तो मजबूरन और विवश होकर हमको यहाँ पर आना पड़ रहा है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी वजह से सरकार भूखी और नंगी हो चुकी है। होमगार्डों ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे, इससे भी काम नहीं चला तो हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे, ऐसी सरकार के खिलाफ हमें लामबंद होंगे। कहा कि जो भाजपा सरकार में हो रहा है किसी सरकार में नहीं होगा, अगर उनकी रोजी रोटी छीन गई हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे चलेगा। समस्या तो समस्या है। किस तरह की समस्या? समस्या हर तरह की समस्या है। अगर ड्यूटी बंद होती है तो बहुत से लोगों को हार्ट अटैक होगा, बहुत से लोग जाने क्या क्या हो जाएगा, बहुत से लोग फांसी में जुड़ जाएंगे। अब हुआ हो ही गया है, पिछले महीने एक नैनी कंपनी का गार्ड जो है जब सुना 16,000 तो एक हार्ट अटैक हो गया और खत्म भी हो गया। कितने होमगार्डों को सेवा मुक्त किया गया? 16 पहले किया गया, 16,500 और 25,000। ये क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमको 10 दिन की ड्यूटी मिले, अगर नहीं ऐसा करते तो हम धरना प्रदर्शन के लिए बात हो जाएंगे, अनशन करेंगे, ड्यूटी बहिष्कार करेंगे, सब कुछ करेंगे।